नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और इसमें आखिरकार कितने चरणों में चुनाव होगा, कब कब चुनाव होगा, किस आपके सीट पर कब चुनाव होगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और कब कब कितने कौन कौन से राज्यों में चुनाव होंगे इस बार और बाईपोल सिलेक्शन कब कितने हैं, वो सारा आपको यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। बस कुछ देर रुके और आपको अपनी सीट पर कौन सी सीट है उस पर भी कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि हमारी सीट ये है। हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस सीट पर चुनाव कब तक होंगे और क्या होंगे, उसकी तारीख क्या है। शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज 2024 लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया, जिसमें उसमें महत्वपूर्ण और अहम बातें जो बताई हैं, बातें शुरुआत करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 97 करोड़ मतदाता इस बार है, कुल 97 करोड़ मतदाता हैं और इसमें से 49.7 करोड़ इसमें मेल्स यानी कि पुरुष मतदाता हैं और 47.15 करोड़ इसमें महिला मतदाता है। इसमें तो 49.7 करोड़ इसमें पुरुष मतदाता, 47.15 करोड़ इसमें महिला मतदाता हैं। 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। यहाँ पर 1.82 करोड़ पहली बार वोट डालेंगे यानी 18 वर्ष की आयु को कंप्लीट करने वाले 1.82 करोड़ लोग जो पहली बार वोट डालेंगे। 21.5 करोड़ इस 97 करोड़ में 21.5 करोड़ जो है वो युवा हैं जो कि वोट डालेंगे युवा। और 55 लाख ईवीएमों का इस्तेमाल होगा इस चुनाव में। मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूँ, एक एक सीट का आंकड़ा कि कौन कौन से सीट पर कितने कितने किस डेट को कितनी सीटें पर चुनाव होंगे और क्या कुछ होगा, वो सारा कुछ आपको बताएंगे यहाँ पर। कुल 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा, हमने बताया। एक सबसे अहम पॉइंट जिसको इलेक्शन कमीशन ने इस पर ध्यान दिया है, जिस पर हम आगे वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो लोग भी हैं उन लोगों को अपने निजी लोकल न्यूज़पेपर में जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बाकायदा डिटेल में 3 बार पेपर में छपवाना होगा अपने बारे में पूरा इतिहास, कच्चा चिट्ठा कि क्रिमिनल है तो कौन कौन से केस हैं, किस लिए हैं, पूरा वो कच्चा चिट्ठा इसमें छपवाना होगा एक बार। दूसरी बात, इसमें पार्टी को भी बताना होगा यानी जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया उसको भी बताना होगा कि आखिरकार उस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को टिकट क्यों दिया। ये सबसे बड़ा सवाल पार्टी के लिए भी है। और यही नहीं, उसको क्यों दिया और अगर उसके कंपटीशन में कोई दूसरा कैंडिडेट था तो उसको क्यों नहीं दिया, क्यों उसको क्यों दिया नहीं बताना है। मान लीजिए ए को टिकट देना, ए और बी कंपटीशन में थे, ए क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और बी भी उसी कंपटीशन में था, बी के भी टिकट मिल सकता था और ए को आपने दे दिया है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है, तो आपको ये बताना होगा कि ए को क्यों दिया और बी को क्यों नहीं दिया, यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका नहीं है, अच्छा है, स्वच्छ सभी का है, उसको क्यों नहीं दिया, इसको भी पार्टियों को बताना होगा। यानी कि चुनाव से क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे उनको। अब इस सबके बीच में सबसे बड़ी बात जो आई है, शुरुआत करते हैं, चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। 26 सीटों पर विधानसभा सीटों पर जिसपे बाईपोल्स होने यानी कि दोबारा चुनाव 26 बाई जो है सभी राज्यों में मिलाकर है, ये 26 सीटों पर बाईपोल्स होने हैं इस बार इसी चुनाव में और वो अलग अलग तारीखों पर होंगे। जिस तारीख में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की एक सीट पर बाईपोल्स हैं, तो जिस दिन लोकसभा चुनाव का आपका वोटिंग हो उसी दिन उस बाईपोल्स वाले की भी वोटिंग होगी सेम डे, यानी कि एक ही दिन जाकर आप दोनों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए और वो बाईपोल्स वाले की भी वोटिंग वाली सीट के भी वोट आप डाल सकोगे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो होंगे वो 4 राज्यों में, इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जहां पर आपको इस समय विधानसभा चुनाव भी इसी उसके दौरान होंगे। शायद कश्मीर में लोगों को कुछ आशा थी, वो निराशा होगी, शायद वो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे कि शायद इस बार विधानसभा चुनाव का ऐलान जो कि इसी बार हो जाएगा, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने इस बार यहां पर ऐलान नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं हम मेन लोकसभा चुनाव की तरफ। लोकसभा चुनाव, कुल लोकसभा चुनाव में, अब आपकी सीट की तरफ भी बढ़ेंगे,
कुल लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आपको बता दें कुल पोल जो होंगे 7 चरणों में कुल चुनाव यहाँ पर होंगे और एक एक तारीखों के बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं कि कब किस तारीख को कहाँ पर और किस सीट पर चुनाव होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे हम आपको बता दें शुरुआत पहले चरण का होगा, पहला चरण जो होगा वो होगा 19 अप्रैल को यहाँ पर पहला चरण होगा, पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा और यहाँ पर कुल 21 राज्यों में 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और 102 सीटों पर चुनाव होंगे पहले चरण में। देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले फेज यानी 19 अप्रैल में यहाँ पर चुनाव होगा। दूसरा चरण जो है वो है 26 अप्रैल को, जहां पर 89 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। जी हां, 89 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। तीसरा चरण जो है 7 मई को और उसमें 94 सीटों पर चुनाव होंगे, 94 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव होगा। चौथा चरण बढ़ते हैं जहां पर 13 मई को होगा, 13 मई को 96 सीटों पर चुनाव होंगे। कुल 543 सीटों का हम क्वालिफाई से बांट रहे हैं। इसके अलावा हम चलेंगे पांचवें चरण की तरफ। पांचवा चरण 20 मई को होगा जहां पर 49 सीटों के लिए यहां पर चुनाव के लिए वोट डालेंगे। लगभग इसमें राज्यों का लगभग सभी राज्यों में कुछ सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा छठा चरण जो होगा वो 25 मई को होगा, यानी कि यहाँ पर 57 सीटों पर 25 मई को छठे चरण का वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बात बढ़ते हैं आखिरी चरण जो है सातवां चरण और वो है 1 जून को, जो 2024 का जो 2024 लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण होगा जहाँ 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वो भी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा 4 जून को परिणाम आएंगे और परिणाम का 1.5 से ज्यादा दिन चौंकाने वाला है क्योंकि दिन होगा मंगलवार, मंगलवार का दिन है 4 जून 2024। अब इसमें विपक्ष शायद सवाल खड़े करेगा कि आखिरकार शुक्रवार क्यों नहीं रखा, मंगलवार क्यों रखा, शुभ मुहूर्त देख के क्यों रखा। तो साहब जो भी है 4 जून को यहाँ पर ऐलान किया गया है और इस ये पूरी डाटा शीट मैंने आपके सामने जो रखी है ये लोकसभा चुनाव 2024 में किस किस डेट को कब कब चुनाव होंगे, आपके यहाँ कब चुनाव होंगे, वो सारी चीजों के डिटेलिंग में हम आपको अगले वीडियोस में। और इसके अलावा आपको बता दें सबसे हम इसमें आपको बता दें कि जो ये चुनाव परिणाम के बीच में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने साफ एक चीज कहा कि जो लोग चुनाव उसमें दो शायरी भी बीच में उन्होंने बोली और वो दो शायरी काफी वो मजाकिया अंदाज में और हास उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग चुनाव में एक दूसरे के ऊपर जो कहीं ना कहीं वक्तव्य बोलते हैं वो कृपया ध्यान देके बोलें क्योंकि इस बार देखा गया है कि राजनीतिक दल के लोग बड़े जल्दी जल्दी पारा बदलते हैं। वो शायद ये टिप्पणी नीतीश कुमार को लेकर की होगी क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से जल्दी जल्दी पाला बदल रहे हैं और वो हमेशा कहीं ना कहीं कभी मोदी के बारे में और कभी लालू यादव के बारे में उनके परिवार के बारे में बोलते रहते हैं विपक्ष में। तो ऐसे में आयुक्त राजीव कुमार ने साफ तौर पर उन्हें इस बात को इंगित किया कि आजकल जिस तरह से लोग बदल रहे हैं जल्दी जल्दी चुनाव, तो ऐसे में अपनी भाषा पर संयम रखें और दूसरों को कटुता मतलब कुछ कटु शब्द बोलने से बचें। और सबसे अहम बात यहाँ पर क्या एक आ गया है कि पूरे चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए और जीरो जो क्राइम वो उसको करके और पूरे चुनाव का यहाँ पर संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मैंने बताया पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को है, तीसरा 7 मई को है, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, 25 मई को छठा चरण, 1 जून को आपका सातवां चरण और आखिर में 4 जून को परिणाम आएंगे और मंगलवार का दिन है 4 जून तक और 17 जून तक जो है वो ये जो चुनाव है यानी कि जो अगली लोकसभा की है वो शपथ ले लिया जाएगा यानी कि 17 जून तक सरकार बना ली जाएगी। तो काफी वक्त है और मुझे लगता है अब चीजें क्लियर होंगे। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और
ये चुनाव को लेकर के कुछ भी आपके मन में डाउट है तो उसके बारे में भी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपका प्रयास करेंगे। और अगर आप किस विधानसभा, जो आपके विधानसभा की सीट है, किस लोकसभा से है, उसके बारे में भी अगर लिखेंगे तो आपके सीट पर कब किस डेट को वोटिंग होगा उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।